सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग अब एक के बाद एक अपने मिड रेंज 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किए जा रहा है और इंडिया के अंदर भी आप लोगों को बहुत ही जल्द सैमसंग के मिड रेंज के 5G स्मार्टफोन बहुत ही जल्द यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसकी स्टार्टिंग सैमसंग ने ऑलरेडी कर दिया है। सैमसंग के एक्सेसरीज में आप लोगों को M42 मिल जाता है 5G के अंदर, जो कि प्राइसिंग है लगभग 20,000 रुपीज़। लेकिन और एक सैमसंग अपने एम सीरीज में नया स्मार्टफोन ला रहा है, ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M52। सैमसंग गैलेक्सी M52 बताया जा रहा है कि 5G के साथ आएगा। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सैमसंग ने चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी F52 5G। तो सेम उसी स्मार्टफोन को सैमसंग इंडिया के अंदर लॉन्च करेगा सैमसंग गैलेक्सी M52 के अंदर, यानी कि M सीरीज के अंदर सैमसंग यहां पर लॉन्च करेगा। तो जो स्पेस आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी F52 5G में मिलता है, सेम वही स्पेस आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M52 में भी देखने को मिलेगा। तो ये रीब्रांडेड का खेल है और ये कोई नई बात नहीं है, सैमसंग पहले से भी करता आ रहा है। यहाँ तक कि अभी भी आप लोग देखे होंगे कि M12, F12 ये सब सेम ही स्मार्टफोन से, या फिर A12, बस नाम में और मतलब माइनर छोटी छोटी चेंजेस करके सैमसंग यहाँ पर लॉन्च कर देता है। तो उसी तरह से सैमसंग ला रहा है सैमसंग गैलेक्सी M52। ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी M52 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि डिस्प्ले से लेके प्रोसेसर, बैटरी कैपेसिटी सभी कुछ अच्छा मिलेगा। आप लोगों को याद होगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी M51 था, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्मार्टफोन रहा, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जो फीचर्स, जो प्रोसेसर, बेसिकली जो प्रोसेसर सैमसंग ने M51 में दिया था, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G, वो काफ़ी सही था। आज के टाइम में भी लोग सैमसंग गैलेक्सी M51 को काफ़ी ज़्यादा बाय करते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप लोग स्मार्टफोन को देखें तो सैमसंग गैलेक्सी M51 काफ़ी कॉम्पैक्ट, काफ़ी सही स्मार्टफोन था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया था। तो उसी स्मार्टफोन का सक्सेसर बन के आएगा सैमसंग गैलेक्सी M52। सैमसंग गैलेक्सी M52 में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी कुछ बेस्ट यहाँ पर लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर डिस्प्ले में सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे देते तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा यहाँ पर बेहतर हो सकता था। लेकिन आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। कुछ चीज़ें अगर सैमसंग निकाल रहा है तो कुछ नया चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दे भी रहा है। और प्रोसेसर तो आप लोगों को पता है कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G। तो ओवरऑल एक बैलेंस स्मार्टफोन है, थोड़ा बैटरी भी कम है, 4500 mAh की मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रोसेसर अच्छा है, 5G का नेटवर्क है, तो सैमसंग भी सभी कुछ बैलेंस करके यहाँ पर देना चाहता है आप लोगों को। तो ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि जून के मंथ में आप लोगों को लॉन्च होते हुए दिखने वाला है। प्राइसिंग लगभग 23,000 रुपीज़ इस स्मार्टफोन की यहाँ पर होने वाली है। तो मेरे ख्याल से 23,000 रुपीज़ में ये एक अच्छा स्मार्टफोन बन पाएगा और डेफिनेटली लोगों को ये स्मार्टफोन यहाँ पर पसंद आएगा। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।